दोस्तों 90 का दशक बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो समय रहा है जब बॉलीवुड की फिल्मों में एक से बढ़कर एक लव स्टोरीज देखने को मिली, जहां कई बार आपने प्यार के लिए सितारों को फिल्मों में जान देते देखा होगा, तो कई बार अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने के लिए सितारों को भागकर शादी करते हुए भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, पर्दे पर भागकर शादी रचाने वाले कुछ सितारे रियल लाइफ में भी किसी न किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन सितारों ने पर्दों की तरह रियल लाइफ में भी अपने प्यार को पाने के लिए भागकर शादी रचाई। और इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए भागकर शादी रचाई। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं सितारों से। नंबर एक, रीना दत्ता और आमिर खान। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शुमार होता है रीना दत्ता और अभिनेता आमिर खान का। बता दें, आमिर खान आज भले ही अपनी पत्नी रीना दत्ता से अलग हो चुके हो, लेकिन एक समय पर आमिर खान उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तभी तो अपने पड़ोस में रहने वाली रीना को आमिर ने खून के खत लिखे, और जब इन दोनों को परिवार वालों ने इनकी शादी के लिए रजामंदी नहीं दी तो उन्होंने इनसे भागकर शादी कर ली। नंबर दो, भाग्यश्री और हिमालय दासानी। मैंने प्यार किया फिल्म से मशहूर होने वाली भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी भी हमारी इस लिस्ट में शुमार है। बता दे, हिमालय दासानी और भाग्यश्री दोनों ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहां इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इसीलिए इन दोनों ने आगे शादी करने का फैसला किया, और इनके परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, और इसीलिए भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया फिल्म से डेब्यू करने के कुछ समय बाद ही हिमालय दासानी से भाग कर शादी कर ली। नंबर तीन, आशा भोसले और गणपत भोसले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी मशहूर आवाज से हर किसी का दिल जीतने वाली आशा भोसले भी उन्हीं सितारों में से एक है जिन्होंने भागकर शादी की थी। बता दें, आशा भोसले महज 16 साल की उम्र में ही गणपत भोसले के प्यार में गिरफ्तार हो गई, और आशा भोसले के परिवार को गणपत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से वो इनकी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन आशा भोसले ने तो अपने हमसफर को चुन ही लिया था, और इसी वजह से उन्होंने 16 साल की उम्र में ही गणपत भोसले से भागकर शादी रचा ली। नंबर चार, शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार होता है अभिनेता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे का। बता दें, 90 के दशक के काफी मशहूर विलेन रहे शक्ति कपूर अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे, पर शिवांगी कोल्हापुरे के पेरेंट्स इनकी फिल्मों वाली इमेज से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे, जिसकी वजह से वो शक्ति कपूर को अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन दोनों के अटूट प्यार की वजह से इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली, और जहां इनकी शादी को आज 34 साल हो चुके हैं, पर ये आज भी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन सितारों का भाग कर शादी करने का फैसला सही था या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।